Assalamualaikum, dear students, welcome to Superior LMS. आज हम lecture number 42 को discuss करेंगे, जिसमें हमारा topic है define filing system, explain the methods of filing system. अब हमें यहाँ पर हम एक format देख रहे हैं, जिसके अंदर से methods of filing के दो हिस्से, एक horizontal filing है और एक vertical filing. Horizontal filing में सबसे पहले जो हमें पॉइंट नज़र आ रहा है वो वायर फाइलिंग है, कार्डबोर्ड फाइलिंग है, पायलट फाइलिंग है, आर फाइलिंग है, शैनन फाइलिंग, पिजॉन हॉल फाइलिंग. उसके बाद वर्टिकल फाइलिंग है. वर्टिकल का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ. अल्फाबेटिकल फाइलिंग, ज्योग्राफिकल फाइलिंग, न्यूमेरिकल फाइलिंग, क्रोनोलॉजिकल फाइलिंग और सब्जेक्ट फाइलिंग. अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करना चाहेंगे. हॉरिजॉन्टल फाइलिंग, द फाइल्स डॉक्यूमेंट्स आप किस तरीके से रखेंगे, ड्रायर्स में रखेंगे, ड्रॉर्स में रखेंगे, रैक्स के अंदर रखेंगे और इन द शेल्व्स इन फ्लैट पोजीशन, यानी कि फ्लैट पोजीशन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रखना शुरू करें. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है वायर फाइलिंग. वायर फाइलिंग, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फाइलिंग पेपर्स. हम अपने घरों में अभी तक ये फाइलिंग के सिस्टम को यूज़ करते हैं. ये आपको पता है कि वायर फाइलिंग में हम लोग अभी भी अपने घरों में दीवार के साथ एक नील लगाते हैं, कील लगाते हैं और उसमें एक वायर को लगा देते हैं. वायर के निचले हिस्से में एक ब्लेड सी होती है, स्ट्रेट सी होती है. हम क्या करते हैं कि एक थ्रेड करते हैं, यानी कि पेज को मिड में से, उसके मिड में से थ्रेड करते हैं और इस ये जो हमारे पास सामने ये जो रॉड बना है इसके अंदर से गुजारते हैं और अपने फाइल्स को यहाँ पर सेव करके दोबारा वॉल पर हैंग कर देते हैं. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइलिंग पेपर्स. इन इनका वायर इज यूज व्हिच हैज इट्स स्ट्रॉन्ग बेस टू स्टॉप पेपर्स फ्रॉम स्लिपिंग दी अदर वे. ये देखें ना, ये राउंड बेस है. यहाँ इस राउंड बेस में से हम क्या करते हैं कि गुजार देते हैं और ये राउंड बेस हमारे पेपर्स को स्लिप करके, यानी कि स्लिप होने से रोक देते हैं. द वायर इज पास थ्रू द मिडल ऑफ द पेपर्स दैट आर टू बी फाइल्ड एंड इज हंग विद द नेल पिंस. इसके बाद हमारे पास है कार्डबोर्ड फाइलिंग. कार्डबोर्ड फाइलिंग, कार्डबोर्ड फाइलिंग के अंदर आपके सामने एक स्केच सा है. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कार्डबोर्ड, ये एक कार्डबोर्ड, ये जो जिसपे चार बोर्ड, इस कार्डबोर्ड के नीचे की जानेब रिबन लगे हुए हैं. रिबन का एक हिस्सा लेफ्ट साइड पर, एक और एक राइट साइड. अब क्या होता है इसमें, अब इसमें आप अपनी फाइलिंग को पुटअप करते हैं इस पेज के ऊपर, इस फाइल के ऊपर. पुट करने के बाद आप इस रिबन्स को दोनों तरफ से फैस्टन कर देते हैं, बांध देते हैं और आपकी फाइल सेव होती है. द कार्डबोर्ड फाइल कंसिस्ट ऑफ अ कार्डबोर्ड ऑफ द साइज ऑफ द फूल स्केप विद टू पीसीज ऑफ स्टॉर्ड पेपर्स अटैच्ड ऑन ईदर साइड इन द मिडल पॉइंट. आप देखें, विद लॉन्ग रिबन ऑन बोथ साइड्स पेपर्स आर पुट वन अपॉन द अदर ऑन कार्डबोर्ड. एक के ऊपर दो, फिर दूसरे से. फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्क फाइलिंग. आर्क फाइलिंग का मतलब है कि ये एक कार्डबोर्ड होता है जिस पर दो रॉड्स होते हैं जो आर्क की तरह झुके हुए होते हैं. हम क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर पुट अप करते हैं, इन दो होल्स में उसके इंसर्ट द लेटर्स इनटू द फाइल्स. दो सुराख होते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर विद पंचिंग मशीन एंड लेटर्स आर थ्रेडेड और उसको उन रॉड्स के अंदर डाल दिया जाता है और रॉड्स जो हैं वो प्रेस करते हैं. इन ऑर्डर टू गेट द पेपर आउट ऑफ द फाइल द रॉड्स आर पुश्ड.
अगर हम दोबारा अपने पेपर्स को हासिल करना चाहें तो उसको बाहर निकालें। पायलट फाइल, ए हार्ड बुक लाइक फाइल, पायलट फाइलिंग हार्ड बुक लाइक फाइल, आपने फाइल देखी होगी, फाइल के दो हिस्से और फाइल के बिल्कुल मिड में उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मतलब है ए बी सी के हरूफ के साथ, एंड द डिवीजन कैन बी सीन आउटसाइड द बाउंड्रीज, और हम अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की डिवीजन है वो बाहर से देख सकते हैं। नेक्स्ट है शैनन फाइलिंग। शैनन फाइलिंग क्या है? एक कैबिनेट है, उसके अंदर ड्रॉअर्स लगे हुए हैं। आपके सामने शैनन फाइलिंग की एक पिक्चर आई है, इसके अंदर एक ड्रॉअर्स लगे हुए हैं। ये ड्रॉअर्स क्या हैं? द डॉक्यूमेंट्स आर दैट आर टू बी सेव्ड आर पंच्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि उनको पंच किया जाता है, एंड देन थ्रेडेड इन द रॉड ऑफ द ड्रॉअर, और फिर इस ड्रॉअर्स के अंदर रॉड जो लगे होते हैं उसके अंदर सेट किया जाता है, लगा टू फैसिलिटेट द लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द कैबिनेट आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली ज्योग्राफिकली सब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास आता है पिजॉन। पिजॉन होल फाइलिंग, आप इसकी देखते हैं कि यहाँ पर एक कंपार्टमेंट, डिफरेंट कंपार्टमेंट बने होते हैं एक अलमारी के अंदर, और वो 24 हैं। ईच कंपार्टमेंट इज लेबल्ड विद वन लेटर, हर कंपार्टमेंट एक एक लेटर के साथ जो है वो लेबल्ड होता है, और हम क्या करते हैं कि ईच कंपार्टमेंट इज लेबल्ड विद वन लेटर ऑफ द अल्फाबेट, द लास्ट कंपार्टमेंट बियर्स द लेबल्स एक्स वाई जेड, यानी कि आखिरी तो फिर हम इसके अंदर की फाइल। इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा शुरू होता है वर्टिकल फाइलिंग। वर्टिकल फाइलिंग क्या होती है? वर्टिकल का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की जाना, यानी कि नॉर्थ टू साउथ स्टैंडिंग, यानी कि खड़े होने की स्वरूप। अब इसमें हम देखते हैं अल्फाबेटिकली फाइलिंग। अल्फाबेटिकली फाइलिंग के अंदर क्या है कि अल्फाबेटिकल से लफ्जी बाइनिंग है कि ए बी सी के जो हरूफ हैं उनके मुताबिक हम अपने डॉक्यूमेंट्स की सेविंग करते हैं, जैसे टी से टीका हाउस, पी से पाकिस्तान स्टोर, आई से इस्फहान। अब उसके बाद है ज्योग्राफिकल फाइलिंग। ज्योग्राफिकल फाइलिंग नॉर्मली अपनी ओरिजिन प्लेस की जगह प्लेस के मुताबिक किए जाते हैं, जैसे डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट सिटीज हैं, उसके मुताबिक ही आप अपनी फाइलिंग करें। वेरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल फाइलिंग है। न्यूमेरिकल फाइलिंग में आप देख सकते हैं कि नंबर वन है जहाँ पाकिस्तान स्टोर के डॉक्यूमेंट्स हैं, नंबर टू है जहाँ रॉयल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, नंबर थ्री है जहाँ साजिद बुक हाउस के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि इसी तरह आप आगे करते जा रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल फाइलिंग का मतलब है डेट वाइज, यहाँ पर आप अपनी फाइल्स को डेट वाइज सेव करते हैं। सब्जेक्ट फाइलिंग होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट है, आप अपना कोई भी एक सब्जेक्ट लेटर होता है, लेटर का जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक उसको लिख लेते हैं, उसके मुताबिक आप फाइल करते हैं। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।